मोजिज़ दोस्तों, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक जोसेफ नामी अमेरिकी यूट्यूबर ने सवाल किया कि जीसस के बारे में इस्लाम और ईसाइत में तजाद पाया जाता है, मुसलमान इन्हें पैगंबर और ईसाई इन्हें खुदा समझते हैं, जीसस एक ही वक्त में पैगंबर और खुदा कैसे हो सकते हैं? आप कहते हैं कि बाइबल में बहुत कुछ जमा किया गया है जो गलत है। बाइबल की तारीफ कई सौ साल पुरानी है और इसके कातिब बहुत सारे थे, इसलिए चर्च और अपनी तहकीक के बाद फैसला किया गया कि बाइबल में क्या जमा किया जाए। बाइबल में जीसस के मुतालिक बहुत सारे मुजजात लिखे हैं जिन्हें आप भी मानते हैं, जैसा इनकी पैदाइश गैर फितरी तौर पर बगैर बाप के हुई। अब आप मुझे बताएं कि हम इन्हें पैगंबर क्यों कर माने और खुदा क्यों कर माने। Human intervention. And two, he. डॉक्टर जाकिर नायक के साथ ये तमाम तर गुफ्तगू अंग्रेजी जुबान में हो रही थी, इसलिए इसका उर्दू तर्जमा मैं आपके साथ पेश करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। नाज़रीन मोहतरम, इस सारे गुफ्तगू में दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस लड़के ने कहा कि वो खास तौर पर अमेरिका से कतर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक सवाल करने आया है। अगर इसका जवाब मिल गया तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा। और इस बात के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि अगर वो जवाब देने में नाकाम रहे तो ईसाइत कबूल कर लेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बयान की इब्तिदा करते हुए कहा कि खुदा और इंसान को समझने के लिए आप जहन नशीन कर लें कि खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जबकि इंसान को खुदा ने बनाया और इसे मौत आती है। खुदा भूख प्यास से पाक इंसान जिंदा रहने के लिए खाता पीता है। इंसान पर नींद तारी होती है जबकि खुदा को ना नींद आती है ना ऊँग। अकलमंद शख्स ये नहीं मान सकता कि कोई एक ही वक्त में खुदा और इंसान हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बगैर बाप के हुई। ईसाई अगर इस चीज को दलील मानकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं तो बाइबल में लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश बगैर माँ बाप के हुई, तो आदम अलैहिस्सलाम तो ज्यादा बड़े खुदा हुए क्योंकि इनकी तो ना माँ थी ना बाप। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जोसेफ से सवाल किया कि आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, तो इसने ना में जवाब दिया और कहा कि वो एक खुदा पर यकीन रखता है और मजीद कहा कि बाइबल में इसने पढ़ा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस बात को पसंद नहीं करते थे कि कोई इन्हें खुदा कहे। इससे जाहिर होता है कि इसकी तालीम इन्होंने नहीं फरमाई कि इन्हें खुदा या इसका शरीक कहा जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जोसेफ से कहा कि यह चर्च और मशीनरी ग्रोह का फैलाया हुआ अकीदा है जिसे वो अपने फवायद के लिए इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जोसेफ से पूछा कि क्या वो कलमा पढ़ना चाहता है और इस्लाम कबूल करने की दावत दी, तो जोसेफ ने हाँ में जवाब दिया, जिसके बाद जोसेफ को स्टेज पर बुलाकर कलमा पढ़ाया गया और वो मुसलमान होने की मुबारकबाद भी दी गई। हाल में मौजूद लोगों ने भी जोसेफ को मुबारकबाद दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जोसेफ को मशवरा दिया कि वो चाहे तो अपना नाम जोसेफ से यूसुफ रख ले और दुआ की कि अल्लाह आपको दूसरों तक हदायत पहुँचाने का जरिया बनाए। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।